मकर लग्नर व्यक्ति विशेष मानंक पाई वैवाहिक दाम्पत्य जीवन ने केते सुख शांति रहुची एवं विवाह आपण जहाँ करुचंती एवं जीवन साथीक स्वभाव केमती रहुची एवं तांक सहित संपर्क संबंध आपण केमती रहिबे जीवन साथीक सहित जदि किछि संपर्क खराब रहुची केते मैनेज हो पार भविष्य प्रश्न आसुची आपंक भितरे एवं आपण जाने को चाहुचंती कहला विवाह पूर्वर मध्य आपंकर इच्छा थाए जीवन साथीक विषय जानापी एवं आपंकर विवाह जीवन में केते सुख शांति रहुची कहीं समाज में किसी स्थिति आसुची समाज में किसी परिस्थिति आसुची वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में आपण सुख शांतिर अभाव लक्ष्य करुछंती एवं निजपाई मध्य मन भितर डर आसुची कहीं आपंक भितर प्रश्न आसुची आपंकर विवाह जीवन केते सुख शांति रहुची यदि अशांति रहुची तले अधिका स्ट्रगल करिवे मानसिक स्तर रे आपण भांगी पड़िवे से देखिबा दरकार आपंकर विवाह पूर्व आपंकर जातक रे कोन रहुची सुख शांति रो जोग वैवाहिक दाम्पत्य जीवन रो सुख शांति हैप्पी मैरिज लाइफ पई सुख शांति रो जोग एवं आपंकर अशांति रो जोग कोन रहुची कोन ग्रह रो आपंकर स्थिति थिले अधिका अशांति आपण फेस करिवे जीवन साथीक सहित संघर्ष रहिबो आपंकर से देखो आप मकर लग्न मकर राशि व्यक्ति विशेष आपण रोचार लग्नाधिपति राशियाधिपति शनि आपं जातक परिश्रम ग्रह शनि एवं मकर राशि एक अस्थिर परा राशि और मकर राशि एक पृथ्वीतत्व राशि प्रत्येक समय आपश्रम करेंगे प्रत्येक समय प्रत्येक व्यक्ति चेष्टा करेंगे चिंता करेंगे और समाजपाई अधिका चिंता आपंक समाज प्रत्येक व्यक्ति को किसी साय कि आपं भितर दया भाव रत्येक व्यक्ति सहित आपंक साय आपंक पर बहुत कम चिंता आपं भर जी आप मकर लग्न रोच मकर राशि व्यक्ति विशेष आप लग्नाधिपति शनि कहीं शनि एक समाज ग्रह प्रत्येक व्यक्ति चिंता करने ग्रह पर कम चिंता करार ग्रह शनि शनि तिक्तार ग्रह शनि डिटाच ग्रह डिटाचमेंट शनि को देखा जाए शनि परिश्रम ग्रह प्रत्येक समय अधिका परिश्रमी आपड़े अधिका अनिष्टि आपंक भितर कर्म क्षेत्र अनिष्टि रिवार अनिष्टि रधिका सेंटिमेंट रपंक भितर पर चिंता करेंगे कितु पर सुख शांतिर अभाव रैवाहिक दाम्पत्य जीवन जहाँ भी आपड़ बहुत करीवन साथी को समय दे पारे ना अधिका स्ट्रगल रिच्छे अशांति आप फेस करेंगे कम्युनिकेशन गैप रतांतर मनातर आप फेस करेंगे जीवनसाथी सहित मनमालिन लगिक रिच्छी कथा को लेकिन से देखो जदि आप रोची मकर लग्न मकर राशि व्यक्ति विशेष लग्न लग्नाधिपति कंडीशन को देखो शनि कंडीशन केमती रोचे कहीं शनि एक तिक्त तार ग्रह शनि एक डिटाच ग्रह जदि आप जातक पोजिशन रखुची पंचम स्थान पर क्या पंचम स्थान लव रोमांस घर पंचम स्थान सेंटिमेंट हाउस जदि पंचम स्थान शनि प्रभाव रोची तेल आपं भितर सुख शांतिर अभाव रपण जहाँ भी कन्विन्स करने को चाहते आप जीवन साथी को कन्विन्स हो पारे ना अशांति बढ़ भितर से देखा दरकार आपंकर शनि कंडीशन को देखा दरकार सप्तम आधिपति आपं जातक केमती रोचार सप्तम आधिपति विशेषकर आपण देखु सप्तम आधिपति आपंकर कर्कट राशि रप्तम स्थान सप्तम आधिपति चंद्र शनि चंद्र जोग जदि आप जातक रोचे तेज़े विष जोग सृष्टि हे आपंकर मेरेज लाइफ पर अशांति मेरेज लाइफ रे किना किसी अशांति आप फेस करेंगे प्रत्येक समय किना किसी चिंता आसो मेरेज रिलेसनशिप आपको स्ट्रगल करने पड़ो जीवनसाथी सहित संपर्क संबंध में नेगेटिव र संपर्क संबंध तक सहित बुझाणार अभाव एवं आपंकर परिवार प्रत्येक सदस्य मध्य आपण को भूल बुझे से देखते आप मकर लग्न मकर राशि व्यक्ति विशेष रोचार लग्नाधिपति राशियाधिपति शनि आपंक एवं सप्तम स्थान सप्तम आधिपति आपं जातक जेहेतु चंद्र रोचे चंद्र शनि जदि जोग रोचे चंद्र शनि ज्योति करुंट आपं जातक विष जोग सृष्टि हे मानसिक अस्थिरता मन भितर डर एकतरफा निर्णय आपण करेंगे अशांति फेस करेंगे प्रत्येक व्यक्ति सहित तिक्तता रपंकर किसी ना कि समस्या को लेकिन प्रत्येक समय एकुटिया रहा आप पसंद करेंगे समाज सहित आपंकर अधिका रहिबो लगाव रहिबो समाज सहित संपर्क रहिबो किंतु परिवार पाई कम चिंता आपण करेंगे से लग्न जदि रोचे मकर लग्न राशि रोचे मकर राशि लग्नाधिपति शनि और सप्तमाधिपति चंद्र जदि षाष्टक योग करुंट कि द्वितीय द्वादश योग करुंट वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में जी
ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଧିକା ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଡିଭୋର୍ସର ମଧ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମକର ଲଗ୍ନ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅଧିକା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଅଧିକା ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଗୁଣ ରହିବ। ଯିଏ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଧିକା ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ମକର ଲଗ୍ନ ରାଶି ରହୁଛି ମକର ରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ରହୁଛି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଯଦି ଷଡ଼ାଷ୍ଟ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶନିଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଶନିଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷଡ଼ାଷ୍ଟ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଆପଣ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଆପଣ ଜୀବନସାରା ଫେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଡିଟାଚ୍ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଶନିଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଶନିଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଶନିଚନ୍ଦ୍ର ନବମ ପଞ୍ଚମ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିଛି ସୁଖଶାନ୍ତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ସୁଖଶାନ୍ତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ମକର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆପଣ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ସର୍ବବାଧା ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ଧନଧାନ୍ୟ ସୁତାନ୍ୱିତ ମନୁଷ୍ୟମତ୍ ପ୍ରସାଦେନ ଭବିଷ୍ୟତି ନ ସଂଶୟ, ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ସତୀଷ୍ଠ ଧୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉତାର ଚଢ଼ାପ ଆସୁଛି, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।